नमस्कार दोस्तों, कहते हैं कि संगीत वही सच्चा होता है जो श्रोताओं की आत्मा को छू जाता है। हमारी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत पद्धति इसी की एक पहचान है। आओ इस शास्त्र की जानकारी लेते हैं। आज की चर्चा के लिए जो राग चुना है वो है राग केदार, और इसी पर मार्गदर्शन करेंगे श्रीमान संजीव जी अभ्यंकर। धन्यवाद। आज की चर्चा के लिए जो राग चुना है वो है राग केदार जी। इस राग को पहचानेंगे कैसे, मतलब इस राग के जो आरोह और अवरोह है? इस राग का चेहरा आपको देखना है जी। आरोह और मतलब राग का चेहरा। अच्छा। सा मा मा गा पा मा पा दा नि सा सा नि दा पा मा पा दा पा मा मा सा रे सा जी। पर जब हम कोई गीत सुनते हैं तो यही स्वर समूह उस गीत में हम नहीं पा सकते जी। जब आप कोई बंदिश, शास्त्रीय गायन की कोई कॉम्पोजिशन बंदिश जी सुनते हैं तब आप इसी स्वर समुदाय को पाएंगे जी। पर ललित संगीत क्योंकि में? हाँ, क्योंकि हम जैसे कहते हैं ना कि हमारा राग संगीत जो है जी वो इट इज फ्रीडम विद इन द बाउंड्री, कि इन रागों के स्वरों के अंदर आप अपनी कल्पना शक्ति का इस्तेमाल करके आपको एक खूबसूरत चित्र बनाना है। लेकिन जब इसका सुगम संगीत में, लाइट म्यूजिक में यूज होता है तो वहाँ ऐसा नहीं कि ये स्वर ही ऐसे ही लगने चाहिए। वहाँ एक आध दूसरा स्वर इसमें आ सकता है, एक आध दूसरे राग की शेड भी आ सकती है जी। इसलिए आपने जैसा कहा कि सुगम संगीत में या हिंदी पिक्चर के गाने में या कोई भी लाइट फॉर्म में जी ऐसे रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि उसमें उसका पर्टिकुलर यही आना चाहिए, नोट्स ही आना चाहिए या उसी तरीके से आना चाहिए। तो इसलिए आप सिर्फ ऐसा ही नहीं पाते। अच्छा। इससे बाकी के रागों का शेड्स भी आपको दिखाई देंगे। अच्छा। फिर ऐसा कौन सा स्वर समूह है जिसे हम राग केदार को पहचान सकते हैं जी? सा मा मा पा मा पा धा पा मा सा रे ये स्वरावट जब आती है तो राग केदार ही समझा जाता है। अच्छा। कन्फ्यूजन नहीं होता है। इस राग के जो प्रमुख स्वर है वो बता दीजिएगा हमें। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि प्रमुख स्वर इसमें जो जिसको हम लोग वादी समवादी शास्त्र में कहते हैं, वादी है मध्यम, समवादी षड्ज। लेकिन एक कोई भी खूबसूरत चेहरा होता है तो हम लोग कहते हैं कि इनकी आंखें खूबसूरत है, किसी का नाक बहुत अच्छा होता है, एकदम सीधा। लेकिन उतना होके नहीं चलता है, पूरे चेहरे की जो सब मिलके एक कॉम्बिनेशन जो बनावट है वो अच्छी होनी चाहिए। कभी कभी आंखें बहुत अच्छी है लेकिन अगर होंठ अच्छे नहीं है तो पूरा चेहरा बिगड़ जाएगा। सो राग में भी कोई एक दो स्वर प्रोमिनेंट है लेकिन बाकी के स्वरों की भी जो अहमियत है वो उतनी ही है। अच्छा। लेकिन सबसे प्रोमिनेंट स्वर इसमें मध्यम और षड्ज है, बाद में पंचम बहुत प्रोमिनेंट है। अब देखिए जब चेहरे में, जैसे एक अच्छे चेहरे में एक बिंदी होती है वैसे केदार राग में कोमल निषाद आता है। मा पा दा नि सा नि दा मा पा पा दा नि दा, उसका तो वो प्रोपोर्शन है, वो एक बिंदी का इतना ही है लेकिन एक बिंदी चेहरे को कितना खूबसूरत बना देती है। सही बात जी। उस तरह से एक केदार राग मतलब एक अच्छा सा चेहरा है ऐसा समझ लीजिए। इस राग को गाने की बेला या समय कोई शास्त्रकारों ने निर्धारित किया है जी? ये बहुत लोगों का सवाल होता है कि ये निर्धारित क्यों होता है, ऐसा समय जो निर्धारित किया है। अच्छा। उसके पीछे एक वजह है, हमारे जैसे हमारा जो नेचुरल एक नैसर्गिक एक हमारी टेंडेंसीज होती है कि जैसे हम लोग सुबह कुछ चीज करना सुबह पसंद करते हैं, शाम को एक ऑटोमेटिक विरह का भाव सबके दिमाग में या सबकी भावनाएं थोड़ी सी शाम को थोड़ी सी नर्वस रहती है, इसलिए लोग बाहर जाते हैं घर के, घर में बैठते हैं शाम को तो नर्वस हो जाते हैं। तो ये जैसा हमारा एक निसर्ग चक्र है, हमारी एक नेचुरल एक कुछ कहते हैं ना उसको कि स्थितियां हैं, वैसे स्वरों के कॉम्बिनेशंस की भी एक पर्टिकुलर स्थितियां हैं जो हर समय 24 घंटे आप गा के देखिए पर्टिकुलर समय पे वो सबसे अच्छा लगेगा। तो उस तरह से शास्त्रकारों ने इसका अनुभव लिया और रात में 7 और 10 के बीच में अगर इसे गाया जाए तो सबसे ज्यादा असर
इन स्वरों का अच्छा होगा, अच्छा ऐसा माना गया है। इतना सारा व्याकरण जो राग का था आपने बताया, ये जो वैशिष्ट है इन्हें और बढ़ावा देने के लिए आप हमें क्या सुनवाना पसंद करेंगे? मैं आपको रूपक ताल में एक बंदी सुनाता हूँ। उन्हीं सो मेरो चित लाग्यो, क्या बात आ ना
इसमें जो भाव का भी आविष्कार हमने पाया, वो तो इसमें तो ये कन्हैया जी को उद्देशित था, तो थोड़ी सी भक्ति भी है और थोड़ा सा श्रृंगार भी इसमें शायद होगा। तो क्या ये विरह भी था, थोड़ा सा विरह विरह भी है। तो इन तीनों का ज्यादा इस्तेमाल होता है ललित संगीत में। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि केदार राग हर एक राग की प्रवृत्ति है, प्रकृति है। तो वैसे देखा जाए तो आप कलाकार अपने मूड के हिसाब से इसमें सभी रस उसमें रसों की अभिव्यक्ति कर सकता है, लेकिन एक सहज भाव होता है। जैसे कि किसी व्यक्ति की एक सहज प्रकृति होती है, हम लोग कहते हैं कि ये बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड है, इसका मतलब वो 24 घंटे शॉर्ट टेम्पर्ड नहीं है, सही बात है। लेकिन इसकी प्रकृति वैसे लगता है, केदार राग की प्रकृति मुझे जो लगती है वो है कि एक विरह, श्रृंगार और भक्ति, ये तीन रस, इनका ज्यादा इसमें एक्सप्रेशन जचता है रागों के स्वरों के हिसाब से। इसीलिए शायद ये थोड़ी सी जो बिरहा, इसमें जो मूल आजम का ये बड़ा ही लोकप्रिय गाना है नौशाद साहब ने बनाया हुआ, बेकस्पे करम कीजिए सरकार मदीना, बेकस्पे करम सरकार मदीना, गर्दिश में है तकदीर भवर में है सफीना, बेकस्पे करम कीजिए सरकार मदीना, बेकस्पे करम। जैसा हम लोग बात कर रहे थे पहले कि इस राग में भी केदार प्योर फॉर्म में नहीं यूज किया, उसकी उसके साथ साथ स्केल यूज किया और आजू बाजू में कुछ रागों की संगति से, और नमरे गाम नमरे गाम, अब ये अलग होता है, लेकिन ये सुगम संगीत में अलाउड है। और एक बहुत खूबसूरत गाना है गुड्डी फिल्म का, बिल्कुल हमको मन की शक्ति देना मन विजय करे, हमको मन की शक्ति देना मन विजय करे, दूसरों की जैसे पहले खुद की जय करे, हमको मन की शक्ति देना। ये तो प्रार्थना थी भक्ति रस में बनी हुई। ये इसमें देखिए बिरहा तो नहीं है, श्रृंगार ज्यादा है। कान्हा जा तेरी मुरली की धुन सुन सपनों में घूम सुन, बैठी है राधा जिया हरे हरे, कान्हा जा
मेरा तेरी मुरली की धुन सुन सपनों में घूम सुन बैठी है राधा जिया हारे हारे काना जा जा जा। वाह क्या बात है। सुगम संगीत में या ललित संगीत में और फिल्म संगीत में बड़ी बखूबी निभाया है इस केदार राग को हमारे संगीतकारों ने। पंडित जी अभी जब एक गायक किसी राग की पेशकश करता है तो एक लय का विचार उसके दिमाग में रहता ही है हमेशा हमेशा के लिए। जी गायक के दिमाग में रहता है, कंपोजर्स के दिमाग में भी रहता है। कोई भी रचना रचना जो करता है जैसे शास्त्रीय संगीत में हम लोग खुद ही रचना करते हैं या तो पारंपरिक रचना होती है तो उसको अपनी नजर से अपनी प्रवृत्ति के अनुसार प्रेजेंट करते हैं तो वहाँ हम खुद रचनाकार भी बन जाते हैं एग्जीक्यूटर भी बन जाते हैं। लेकिन सुगम संगीत में भी जो रचना करते हैं रचनाकार उनके दिमाग में पर्टिकुलर कंपोजिशन के लिए लय होती है। जब वो बनते जाता है तो उनको लगता है कि ये इसी लय में होगा। अच्छा तो हम लोग चलते हैं तो भी एक पर्टिकुलर लय होती है, उसकी लय बिगड़ जाती है तो हम गिर जाते हैं। सही बात है। हमारे बातचीत की लय बिगड़ गई तो वो शब्द भी गलत आ जाते हैं। या तो कुछ कहना अलग है लेकिन वो गलत लय में अगर बात शुरू करे तो उसका टोन भी गलत हो सकता है। मतलब मैं बोल रहा हूँ इनसे बहुत प्यारी प्यारी तरह से लेकिन मेरा टोन अगर लय बदल जाए तो इसको झगड़े का स्वरूप भी आ सकता है। तो लय इतनी इंपॉर्टेंट है हर जीवन में ही पूरी इंपॉर्टेंट है। वैसे गाने के वक्त भी है तो ये रागदारी संगीत में भी जब कोई बंदिश हम लोग गाते हैं तो उसकी एकदम पर्टिकुलर लय होती है जिसमें वो कंपोजिशन बहुत ज्यादा अच्छी तरह से निखर आता है। जी अब हमारा ये जो एपिसोड है चरम सीमा तक पहुंच रहा है तो आप हमें क्या सुनवाना पसंद करेंगे? मैं आपको राग केदारा में द्रुत बंदी सुनाता हूँ। जी तीन ताल में है 16 मात्रा। जी जाने दे मोहे पिहरवा। जी जाने दे मोहे तोरी पिहरवा ना मानू जाने दे मोहे तोरी पिहरवा ना मानू जाने दे मोहे तोरी पिहरवाना मानू जाने दे मुए तोरी पिहरवाना मानू जाने दे मुए तोरी तोरी पिहरवाना मानू जाने दे मुए तोरी पिहरवाना मानू जाने दे मुए तोरी पिहरवाना मानू जाने दे मुए तोरी तोरी पिहरवा जाने दे मोहे तोरी पिहरवा ना मानु का मानु छर गल मैया परु तोर का मानु छर गल मैया परु तोर का मानु छर गल पैया परु तोर का मानु छर गल पैया परु तोर सारे नगर के लोग करेंगे हसाए जाने दे मुहे तोरी पिहरवा ना मानु जाने दे मुहे तोरी जाने दे मुहे तो जाने जाने दे मुहे तोरी तो बेजुरे चम के घन भोर घटा बेजुरे चम के घन भोर घटा बेजुरे चम के घन भोर घटा तू ही सुनो मैं तो का करूं कहे सासन नंद कहारन गवाए जाने दे मुए तोरे पिहरवान मानु जाने दे मुए तो जाने जाने दे जाने जाने दे मुए तोरे
हाँ।